अरे भाई रुको रुको, टायर चेंज करने जा रहे हो यार, तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी। क्या भाई, मैं टायर चेंज करने जा रहा था ना, स्टेपनी चेंज करने। तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी सबसे पहली। क्या भाई? भाई तुम रोड पे जा रहे हो, तुम्हारी गाड़ी खराब है, टायर चेंज कर रहे हो, तो भाई तुम्हें एक बात का ध्यान रखना चाहिए ना कि कोई दूसरी गाड़ी पीछे से आ रही है, उसे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी गाड़ी रुकी हुई है और खराब है। भाई ये तो सोचा नहीं, क्या करूं भाई मैं फिर? तो भाई इसी चीज के लिए कंपनी ने ये बटन दिया है, इसे जब तुम प्रेस करोगे तो तुम्हारे चारों इंडिकेटर ऑन हो जाएंगे और इससे ये पता चल जाएगा सब पीछे से आने वाली गाड़ी को कि ये गाड़ी खराब है, इसे थोड़ा हटके चले, तो इससे तुम भी सेफ रहोगे, तुम्हारी गाड़ी भी सेफ रहेगी। समझे? समझा भाई, थैंक यू। तो ये पहली गलती बिल्कुल नहीं दोहराना कभी आगे चल के, ठीक है? ठीक है भाई, ठीक है। भाई क्या हो गया, इतना परेशान क्यों हो? अरे यार ये टायर पंचर हो गया यार, सामान निकाल रहा हूँ, बहुत दिक्कत हो गई यार। अरे रुको यार, क्या कर रहे हो? क्यों, क्या हो भाई? ये क्यों नहीं यूज कर रहे हो? ये क्या है, ये ऐसी है यार, ये तो प्लास्टिक है, ये ऐसी। अबे भाई ऐसी नहीं है, कंपनी आपको देती है ताकि आप जब आपकी कहीं हाईवे पे रोड पे गाड़ी खराब हो जाए या फिर आपकी क्या कहते हैं कहीं कर्व पे गाड़ी रुक जाए और टायर पंचर आपका हो जाए, तो ये कम से कम आपको गाड़ी से 100 या 50 मीटर दूर इसे रखना होता है ताकि पीछे से कोई गाड़ी आ रही हो तो उसे पता चल जाए आगे कोई गाड़ी खराब है या फिर टायर पंचर, तो वो उस लेन से हट जाए ताकि आगे जाके एक्सीडेंट ना हो। क्योंकि देखो, अगर अचानक से कोई गाड़ी आपके सामने आ जाए, आपको भी अलग लेन में गाड़ी मोड़नी पड़ेगी, तो पीछे से आने वाली गाड़ी को भी क्या कहते हैं एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये सेफ्टी के लिए ये ऐसे नहीं दे रखा, इसको आप लगाओ रोड पे और आपकी आप ज्यादा सेफ रहोगे। भाई क्या कर रहे हो? ये भाई जैक लगा रहा था गाड़ी में, स्टेपनी चेंज करनी है। तो कैसे कैसे करोगे बताओ एक बार। बस भाई जैक लगाऊंगा इसको और ढीला कर दू, उसको कर दूंगा, उठा दूंगा, टायर ऊपर हो जाएगा और नट खोल दूंगा सारे। भाई ये होती है सबसे दूसरी सबसे बड़ी गलती टायर चेंज करते वक्त। अगर तुम जैक पे गाड़ी को उठा दोगे और जब तुम क्या कहते हैं टायर के क्या कहते हैं नट्स खोलोगे तो टायर घूमेगा और तुम्हें खोलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो सबसे पहले ये होता है कि आप पहले जो आपके नट्स हैं उन नट्स को ढीला करो और उसके बाद आप क्या कहते हैं गाड़ी को जैक पे उठाओ, तो इससे ये होगा कि आपका टायर क्या कहते हैं एक ही बारे में आराम से निकल जाएगा।